ओम यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिभन्ति तितानि च यत्र एव उपशममयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभूः कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शीकरा यस्मात् आनन्दशाम्भरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिमसमुन्मथ्या ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। कोई प्रश्न बाकी नहीं ना? आज हम निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध का 26वां अध्याय का विवेचन करेंगे। प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप विज्ञान का निरूपण करने के अनंतर भुशुंड जी अपने चिरंजीविता में हेतुओं का निरूपण करते हैं। प्राण का उपासना करके जैसे स्वरूप में अवस्थान किया जाता है, उसका सारे विज्ञान को अच्छी तरह वह भूषण जी अपना जो वशिष्ठ जी के साथ वार्तालाप में सारे स्पष्ट रूप से बता दिए। प्राण का उपासना कैसे किया जाता है और प्राण का उपासना से उसका अधिष्ठान भूत मतलब उसका आधार भूत जो परमात्मा जो सबका आधार है, प्राण का भी आधार वह है। वो परमात्मा में निश्चल स्थिति को प्राप्त हो सकता है कोई भी, और भूषण जी भी इसको प्राप्त हुए हैं। और ये जो चिरंजीवी होकर के रह रहे हैं, इसमें कारण क्या है? किस ढंग से वो चिरंजीवी हो गए हैं? जीवन है लेकिन वो कभी खंडित नहीं हो पा रहे। अखंड धारा जीवन का चलता रहता है, अनंत अखंड अनंत धारा चलता रहता है, हमेशा वो जीवित रहते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति और विनाश में उनका स्थिति का कोई बदलाव नहीं होता।
में विवेचन करेंगे। कोई एक क्षेत्र भूषण जी के बारे में कैसे है बहुत पहले हम विचार कर लिए ना वो सारा समय निकालते जब कल करेंगे। भूषण जी का संक्षिप्त बायोडाटा कल देंगे, इसको याद रखें। उनका जन्म कैसा हुआ, कौवा कैसे हुए, वो क्यों कौवा हुए, और कौवा रूप में वो इतने बड़े स्थिति को कैसे प्राप्त हुए, उनके पिताजी माताजी भाई बहन सब के बारे में कल बताएंगे। इस अध्याय में भूषण जी बोलते हैं, भूषण जी ने कहा महाराज वशिष्ठ जी मैंने प्राणोपासना द्वारा उक्त रीति से क्रमशः निर्मल हुए आत्मा में यह चित्त विश्राम प्राप्त किया। ये जो मेरा चित्त का विश्रांति, चित्त वृत्ति निरोध और चित्त पूरा चुप हो करके बैठ गया हमेशा के लिए, चित्त में कोई चंचलता नहीं है, ये जो स्थिति मैं कैसा पाया, ये स्थिति तो अति निर्मल स्थिति है। निर्मल का मतलब चंचलताहीन, चंचलता जिसमें नहीं है उसी को निर्मल कहते हैं। यह स्थिति कैसा मिली आपको, वो कह रहे हैं ये क्रमशः पुरुषार्थ के द्वारा मिला है। मैं पुरुषार्थ किया, स्वयं इसके लिए प्रयत्न किया और ये अचानक नहीं मिला, ये सफलता जो मेरे को मिला है उसमें अनेक सारे कारण है। एक तो निरंतर उसमें लगे रहना, प्राण का उपासना में अनन्य लग रहना, दूसरे कोई अभ्यास नहीं करना, सफलता के ये लक्षण होते हैं, मतलब निमित्त होते हैं। सफलता उसी को मिलेगा जो एक चीज के लिए सर्वस्व निछावर कर देगा, जिसको तुम अपना रुचि के अनुसार निर्धारित किया कि मैं मेरे को यही करना, अपने बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करके और रुचि के अनुसार जो मार्गों को अपनाया उसको कभी नहीं छोड़ना, निरंतर प्रयास जारी रखना, इसको भगवान भी कहे हैं, कृष्ण भगवान गीता में भी कहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्मो भयावह। अपने रास्ता में अगर बाई चांस कभी असफलता में विचलित नहीं होना, सफलता के लिए असफलता एक चुनौती मानो, मतलब वो
और संभवतः आपको एक बार मिल सकता है, दो बार मिल सकता है, 10 बार मिल सकता है, बाद में सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। असफलता मिला है करके उसको त्याग करके दूसरे रास्ता पकड़ लेना, दूसरे धर्म को अपना लेना, ये उचित नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि असफलता में विचलित नहीं होना, बारंबार लगे रहना। इसका मतलब एक ही चीज में अपना सारे सामर्थ्य, अपने सारे शक्ति को निछावर करना, एक तो ये हुआ, दूसरे धर्म को, दूसरे रास्ता को कभी अपनाना नहीं। दिखता है दूर से बड़ा सुंदर, लेकिन फिर भी उसको नहीं अपनाना। इसी का नाम विवेक भी है, वैराग्य भी है, और निरंतर लगे रहना, इसका नाम निष्ठा है। निष्ठा होना चाहिए, और इसमें बाधा अगर उपस्थित होता है उसमें भी चलित नहीं होना, धीरज रखना। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, तुझे राम मिलेंगे कभी न कभी। धीरज, जैसे साईं बाबा बोले हैं, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा, श्रद्धा मतलब एक निष्ठा, और सबूरी धैर्य, ये सफलता का बहुत जरूरी आधार है, इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। और आत्मविश्वास, मैं जरूर करके दिखाऊंगा, ये भी चाहिए। अपने ऊपर कभी अविश्वास नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं कि ओवर एस्टिमेट करना अपने को, जितने अपना शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति मेरा है करके कभी कल्पना नहीं करना। अपने शक्ति को समझ करके सारी शक्तियों को उसी में लगा देना, ये आत्मविश्वास, और इसी से सफलता मिल सकती है। और इसके लिए और सारे चीज को त्याग देना, इसका नाम वैराग्य है, एक निष्ठा होना। ये सारे होने से सफलता अभी को अभी नहीं मिलती है, धीरे धीरे वो कर रहे हैं, ये क्रमशः मिला है, और निर्मलता भी क्रमशः प्राप्त होता है। निर्मलता मतलब स्वच्छता, अथवा एक निष्ठा, ये अचानक नहीं मिलती है, इसके लिए धीरे 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 प्रयास चालू रहेगा तो धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। इसी प्रकार मेरे चित्त का विश्रांति हुई, मतलब मन, मेरा चित्त वृत्ति के बिना सुस्थिर भाव से स्थित है, और इसको मैं स्वयं प्राप्त किया, मेरे लिए दूसरे कोई कुछ नहीं किया है, ये स्वयं प्राप्त किया है। अगर बोल दिए तो फिर इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ सकता है। शक्तिपात है, गुरु कुछ शक्तिपात कर लेगा, इसमें विश्वास रखते हो?
गुरु मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, ये मानते हो? जी स्वामी जी, मानते तो फिर तुम इसको अच्छी तरह समझो, मैं करूं या मेरे लिए दूसरे कोई करे। मेरे लिए दूसरा कौन कौन हो सकता है? एक कहा गया है गुरु कृपा चाहिए, और एक शास्त्र कृपा चाहिए, एक आत्म कृपा चाहिए। गुरु कृपा को हम दूसरे ढंग से शक्ति पात गुरु जी के पास जाएंगे, वो मेरे सिर को छू करके बस सब कुछ कर लेंगे, मेरे को कुछ करना जरूरत नहीं। ये ऐसा भावना कभी नहीं लाना मन में, और इसको पहले समझो। आत्म कृपा के बिना गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, परमात्मा की कृपा, शास्त्र कृपा इत्यादि कुछ नहीं मिल सकता है। आत्म कृपा पहला। आत्म कृपा का अर्थ क्या है? अपना प्रयास, अपना प्रयास। मेरे लिए दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर प्रयास करूंगा तभी तो, अगर रास्ता में मैं चल पड़ा तभी रास्ता में, आधा रास्ता में कोई मिल जाएगा, दो तीन रास्ता अगर है कहीं तो उसको बताने के लिए निर्दिष्ट रूप से मेरा गंतव्य स्थल के लिए कौन सा रास्ता है, वो रास्ता में कोई, आधा रास्ता में कोई होगा वो बता देगा, और बता देगा तो उसको क्या करोगे? तुम मानोगे या नहीं मानोगे? मान लो मेरे को गंगोत्री जाना है, गंगोत्री जाना उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर रास्ता है, और बीच में की तीनने अलग अलग रास्ता इस मुख्य रास्ता से निकले हुए हैं, तो हर वक्त दो रास्ता तीन रास्ता मिल जाते हैं। वहां पर मैं तो अनजान हूं, मैं पहला बार जा रहा हूं गंगोत्री के लिए, रास्ता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अगर रास्ता में चल पड़ा सही दिशा में, उत्तरकाशी से गंगोत्री दिशा, वो कौन दिखाएगा? अभी गुरु दिखाएगा। प्रयास अपना और दिशा निर्देश दूसरों से होता है। ये पहले भी, शुरुआत में भी होगा और बाद में भी होता रहेगा। आधा रास्ता में जहां तुमको शंका उठता है उस समय मिलते रहेगा तुमको, निर्देश मिलते रहेगा। निर्देश तो मिलेगा, तुमको क्या करना है? एक तो पहला तुम्हारा एक गुण चाहिए कि मैं जरूर पैदल जा करके गंगोत्री पहुंच जाऊंगा, ये आपका आत्मविश्वास चाहिए। और उसके साथ जो दिशा निर्देश हुआ है किसी के द्वारा, जो किया है वही तुम्हारे गुरु, जो दिशा निर्देश किया है वही तुम्हारे गुरु है। सद्गुरु जो सत्य के रास्ता दिखाता है, और बाकी गुरु तो हमारे जिंदगी में सैकड़ों गुरु मिलते हैं और सब हमारे गुरु होते हैं। इसको दिखाने के लिए हमारे जो भागवत में दत्तात्रेय जी का 24 गुरु का वर्णन है, दत्तात्रेय 24 गुरु किए हैं, मतलब कहीं भी किसी भी हालत में अगर तुमको कोई शंका है वो शंका निवारण के दिशा निर्देश करने वाले मिल जाते हैं। अगर तुम उसको स्वीकार कर पाओगे,
तब वो तुम्हारे गुरु बन सकता है, कोई भी गुरु बन सकता है। एक बच्चा अबोध बालक भी तुम्हारे गुरु बन सकता है अगर मान लोगे। नहीं मानोगे तो कितने समर्थवान भी पुरुष तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। इसलिए गुरु आज्ञाकारिता ये बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। हमारा आदर पड़ा है हर वक्त क्या करना है, आज्ञा का उल्लंघन उल्लंघन करना और प्रश्न करना। नहीं मैं गुरु कहे खड़ा हो जाओ, क्यों खड़ा हो जाऊं, नहीं खड़ा हो नहीं पा रहा हूं, मेरा पैर में दर्द है, खड़ा नहीं हो सकता हूं, इधर खड़ा होने के लिए जगह नहीं, उधर चले जाऊं, ये सब कुछ नहीं। कुछ वो कहानी में बताया था आज्ञाकारिता कैसे होता है, किसका, जो गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे, एक शिष्य को हमेशा प्यार करते थे करके दूसरे शिष्यों ने उसके प्रति मन में द्वेष भावना रखे थे, तो उसको निकालने के लिए क्यों मैं इसको ज्यादा प्यार करता हूँ। गुरु का प्यार अथवा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब गुरु का आज्ञाकारी होगे, नहीं तो नहीं नहीं मिल सकता। गुरु कितने भी समर्थवान हो, गुरु का आज्ञा शिरोधार्य है। इसी को चिदान साहब जी हमेशा एम्फाटिकली बताते हैं, बड़े जोर से बोलते हैं, ओबीडियंसी इज बेटर देन रेफरेंस। तुम 10 बार दिन में प्रणाम करते रहो, कोई दंडवत प्रणाम नाक रगड़ो, कुछ नहीं होता है उसमें, कुछ नहीं होता है। करना मना नहीं, करना चाहिए, मैं उसको खंडन नहीं करता, पर वो कुछ नहीं है। है क्या चीज, गुरु कहा उठो तो उठना, बैठो तो बैठना, आज्ञाकारिता, ओबीडियंसी इज बेटर देन रेफरेंस। रेफरेंस को मना नहीं किया, लेकिन गौण है। तो गोरखनाथ जी जाकर के जंगल में पहुंच गए, दोपहर का समय, पेड़ के नीचे बैठे हैं सब, थोड़ा आराम कर रहे हैं, पास में देखे एक पहाड़ सीधा खड़ा हुआ है, दूसरे तरफ से ढालदार है, पर जहां वो बैठे हैं उधर सीधा 90 डिग्री खड़ा है। तो गोरखनाथ तो सारे बच्चों को पूछे, एक पहाड़ी के ऊपर चोटी में कौन जा सकता है, सबने कहा हाँ गुरु जी हम जा सकते हैं। अच्छा जाओ, तो जाकर के ऊपर पहुंचने के बाद आवाज लगा, गए एक एक करके गए, और जब पहुंचते उधर गुरु जी बोलते हैं बेटा वहीं से कूद जाओ नीचे। तब कहते हैं एक एक करके सब यही उत्तर दिए, गुरु जी इतना ऊंचाई से मैं कूद नहीं सकता हूँ, हाथ पैर टूट जाएगा, मैं नहीं कूद सकता हूँ इतने दूर से, इतने ऊंचाई से। सब मना करके नीचे आ जाते हैं, अच्छा बेटा आ जाओ, एक एक करके जाते हैं सब। आखिर जो प्यारा शिष्य था उसको आखिर बोलते हैं बेटा तू जा सकता है, हाँ जाऊंगा, जाओ। चला गया, ऊपर पहुंचने के बाद गुरुजी पहुंच गया, तो बेटा कूद जाओ, मार दिया चला, चला मार दिया, तो नीचे देखता है फूलों का ढेर, उसके ऊपर गुरुजी का दो हाथ उसको संभालने के लिए। तो जब गुरु माना, इतना सोच नहीं पाए कि इतना बेवकूफ है तुम्हारे गुरु
जो कहता है कि उधर से छलांग मार दो, पैर तोड़ दो, अगर पैर भी टूट भी जाता है गुरु उसको ठीक नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचते हो तो तभी तो गुरु का बात को नहीं माना ना। अगर तुम्हारे भरोसा होता गुरु जी कहे तो गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बोल दिए वो कूद जाओ तो कूद जाना चाहिए, बाकी जो होगा गुरु जी जाने, क्योंकि वही आदेश दिए, ऐसा भावना होना चाहिए। जिसको गुरु माना वो इतना बेवकूफ और इतना असमर्थ है करके तुम मानते हो तो गुरु कैसे माना। इसीलिए आज्ञाकारिता सबसे पहला, ये सफलता का पहला सीढ़ी। रास्ता में जा रहे हो, गंगोत्री जा रहा हूं मैं, पहला तो सही दिशा में शुरू करना, और सही दिशा में जाते जाते रास्ता में अनेक बाधा विघ्न मिलेगा। बाधाएं यही होता है कि कहीं दो रास्ता मिल जाएगा, चढ़ना पड़ेगा उतरना पड़ेगा, कितने रास्ता है कितने बाधा मिलेगा, तो वो बाधाओं को दूर करने के लिए वहां तुमको दिशा दिखाने वाले भी मिल जाते हैं। गुरुओं की कमी नहीं है, कहीं पर नहीं है, और वहां पर गुरु किसी को पूछा, बेटा एक छोटा बच्चा उधर खड़ा है दो रास्ता जहां देगा, उसको पूछा बेटा ये गंगोत्री के लिए कौन सा रास्ता है, ये दो रास्ता है गंगोत्री के लिए कौन सा, वो बता दिया बाबा जी ये रास्ता गंगोत्री के लिए। अगर वो बताया और अब नहीं माने तो गंगोत्री पहुंच जाएंगे क्या? चाहे बच्चा हो उस विषय में उसको जानकारी है, इसीलिए उसका बात को मान लेना चाहिए अंधा हो करके। इसी को कहते हैं विश्वास, श्रद्धा विश्वास, इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती, और इसी को कहते हैं आज्ञाकारिता, तभी गुरु का कृपा, इसी को गुरु का कृपा भी मानना। आत्म कृपा होगा तुम चलते रहते हो, प्रयास जारी है, तभी तो तुम्हारे, उसको कहते हैं आत्म कृपा, अपना प्रयास और उसके साथ है साथ पूरी गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा यही है दिशा निर्देश, गुरु नहीं चलेगा तुम्हारे लिए रास्ता, चलना खुद को होगा, गुरु कंधे में बैठा करे ले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, तुमको खुद चलना होगा। क्यों गुरु जी मुझे क्यों कंधे पर नहीं ले जाएंगे? बच्चे को माँ अपना जो बच्चा चल नहीं पाता है अपने कंधे में उठाकर तो ले जाती है, गुरु क्यों मुझे ले उठा करके कंधे में नहीं ले जाएगा? इसके ऊपर बड़ा रहस्य है, और रहस्य को समझना चाहिए। पर्दा को थोड़ा उधर ले जाओ धीरे से, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, सबसे रिक्वेस्ट है। और ले जा, वो इधर पहुंच जाता है, ठीक हो गया। गुप्ता जी तो आ गया, माँ बच्चे को कंधे में उठा कर ले जाती है, ये उदाहरण आप दिए, तो गुरु मेरे को क्यों नहीं उठा कर ले जाएगा? यहाँ आता है आत्मसमर्पण योग। जत करोसी जज्जुहोसी
जत करोसी यदस्त नसी जत जुहसी ददासी जत जत तपस्यसी कौन्तेय तत कुरुस्वम अर्पण। गीता में समर्पण योग के ऊपर भगवान बहुत बार बार अनेक जगह पर अनेक बार इसके ऊपर जोर दिए, अर्जुन तू कुछ नहीं कर सकता है, तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तू एक औजार है मेरे हाथ में, मैं चलाता हूं उस औजार को, औजार बने रहो, औजार को चलाने वाला तुम नहीं मैं हूं। पचासों अलग अलग तरीके से अर्जुन को जबरदस्ती समझाए मनवाए, तू कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, और बार बार उसको बताए कि तू जो कुछ करता है मेरे प्रेरणा से करते हो और मुझे उसको समर्पण कर। बच्चा कौन सा बच्चे को उठा करके मां ले जाती है कंधे में, कर ले सिपाही जो असमर्थ है, असमर्थ है, जो समर्थ है उस बच्चे को, बड़े बच्चे को कभी माँ ऊपर कंधे में उठा करके कभी नहीं ले जाएगी, और वो कंधे में बैठने के लिए कोशिश करेगा तो माँ दो थप्पड़ मारती है, चल नहीं सकता हो क्या, चलो। इसको अच्छी तरह समझो, समर्पण योग को समझो। गुरु तभी तुमको कंधे में बैठा करके ले जाएगा अगर तुम असमर्थ साबित करते हो अपने को। तुम असमर्थ हो तब तो गुरु तुमको कंधे में बैठा कर ले जाएगा, तभी शक्तिपात होता है। शक्तिपात मतलब गुरु अपने ऊपर उठा लेता है। इसके ऊपर देखो उदाहरण, कौरवों के सभा में द्रौपदी को अर्जुन दुर्योधन के आदेश से दुशासन घिसट करके ला करके खड़ा कर दिया और उसका वस्त्र हरण किया। इस समय क्या स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए। द्रौपदी क्या की, अपना इज्जत को बचाने के लिए रोई पीटी सिर फोड़ी और सबको सहायता की याचना की, सबके किस किस को, पहले कुल वृद्ध जितना है, कौन भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य और ये सब को, पहले तो अपने पतियों को एक एक करके पुकारी, तुम्हारे पत्नी का ये हालत तुम कैसे चुप बैठ सकते हो, पत्नी का रक्षा करना पति का कर्तव्य है, तुम कसम खाए हो, तो अभी मेरा रक्षा कौन करेगा, तुम कैसे चुप बैठे। लेकिन धर्म को देख करके पांडव लोग प्रयास करते ही श्रेष्ठ पांडव जो है युधिष्ठिर सबको मना किए, वो उनका एक कहना था कि धर्मम रक्षति रक्षतः, धर्म का जो रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करेगा, इसलिए हम वचनबद्ध हैं, हम द्रौपदी को हार चुके हैं इसलिए द्रौपदी हमारा नहीं है, अभी इसका रक्षा हम नहीं कर सकते, चुप बैठे। उसके बाद जो जो समर्थवान और कुल श्रेष्ठ भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं,
इनको गुहार की, लेकिन वे लोग भी अपना अपना व्यक्तिगत धर्म को देख करके द्रौपदी का रक्षा नहीं कर पाए। फिर जो धृतराष्ट्र राजा होने के नाते, समर्थवान होने के नाते, फिर दुर्योधन भी कुछ धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं किया। क्यों? ये दुर्योधन जीता है, दुर्योधन के हाथ में सब कुछ, और दुर्योधन का आदेश पालन करके दुशासन छोटा भाई के नाते, बड़ा भाई का आदेश को पालन करके, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो वो किया है। सब अपने अपने धर्म पालन कर रहे हैं, सब असमर्थ साबित हुए। और इसके अंदर द्रौपदी अपने कपड़े को पकड़ रखी है, ऐसी बात नहीं कि द्रौपदी अपने ऊपर भरोसा छोड़ दी। फिर जब कोई नहीं रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, द्रौपदी दोनों हाथ में अपने कपड़े को जबरदस्त पकड़ता हुआ पुकारती, हे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश होता है जो यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सूत्र है गीता का, जो मुझे जैसे भजन करता है मैं उसी प्रकार वापस में उसको मैं रक्षा करता हूं, वैसे ही मैं उसको उत्तर देता हूं अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। तो द्वारिकाधीश पुकारी, द्वारिका में भगवान बैठे हैं, पासा खेल रहे हैं रानियों के साथ, और अचानक जब द्वारिकाधीश आवाज सुनाई पड़ा, सिर्फ कृष्ण भगवान को सुनाई पड़ा, सबको नहीं, तो कृष्ण भगवान खड़े हो गए। उनका चाल था पासा फेंकना था, छोड़ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, नहीं गए। क्यों नहीं गए? चुपचाप बैठ गए उधर। फिर सत्यभामा पूछती है, भगवान क्या हुआ? ना नहीं नहीं कोई बात नहीं, खेलो शुरू करो। नहीं कुछ हुआ? ना कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। नहीं कोई आपको बुलाता है? जो कुछ होगा समय पर होगा, फिकर मत करो, तो अपना काम, समय नहीं आया। फिर द्वारिकाधीश कहने से दोबारा खड़े होते हैं। उस समय दूसरे बार जब द्वारिकाधीश पुकारी, तब एक हाथ में तो अपने भरोसा जता करके कपड़े को पकड़ रखी है, और एक हाथ ऊपर उठा दी, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, मेरे रक्षा करो। दोबारा उठे, फिर बैठ गए, अभी समय नहीं आया। जब तीसरा बार पुकारी, हे द्वारिकाधीश, दोनों हाथ खड़ा कर दिए, पूर्ण समर्पण जब हुआ, अपने अप बल तप बल और बाहु बल चौथा बल है ना, सारे भरोसा जब टूट गया, जब पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर हुआ, पूर्ण और पूर्ण समर्पण हुआ, जब द्रौपदी पूर्ण समर्पण की, भगवान अपने खड़म पाने के लिए भी भूल गए, दौड़े बसन रूप भय श्याम। भगवान खुद बसन का रूप, कपड़े के रूप ले लिए अनंत, और दुशासन वह कपड़ा को खींच रहा है, पसीना आ गया, बेहोश हो गया, गिर गया, कुछ नहीं कर पाए द्रौपदी का। त
तभी भगवान आते हैं तुम्हारे पास। अभी चार कृपा कहे थे ना हम, एक तो आत्म कृपा समझा दिया, दूसरा गुरु कृपा, शास्त्र कृपा यही है, इसी का नाम शास्त्र कृपा भी है। शास्त्रों को सुनना सुनना या अध्ययन करना, उसको समझना, स्वीकार करना, स्वीकार करके उसको पालन करना, मतलब उसको व्यवहार में लेना, तद्रूप हो जाना, इसी का नाम ओबीडियंस। गुरु को जैसे, गुरु का बात को तुम जैसे माने हो, शास्त्र का वचन को भी समझ करके स्वीकार करके उसका मानना चाहिए, तभी शास्त्र का कृपा होगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसे तो पंडित बहुत बैठे हैं जो किया है उसको अपने का जीवन में उतारा है, उसी के ऊपर शास्त्र कृपा होता है। और ये तो जरूरी है, शास्त्र का वचन को पालन करना, गुरु जी का आज्ञाकारी बनना, एक ही बात है, एक ही बात है, तभी परमात्मा का भी कृपा होगी। परमात्मा सर्व के अंदर, सबके अंदर है, तभी परमात्मा को पहले समझ करके जब समर्पण करोगे पूर्ण रूप से, तभी परमात्मा की कृपा होगी। ये चार कृपा एक दूसरे का परिपूरक, एक दूसरे का स्वरूप है, अलग नहीं है। और वो सारे ये जो तीनों अलग अलग कृपा हुआ, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा, वो आत्म कृपा के ऊपर ही निर्भरशील है। इसको कहते हैं समर्पण योग। समर्पण करना मतलब तुम अगर अपने को सब तरह से असमर्थ साबित किया, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, अपने तप के ऊपर, अपने बाहुबल के ऊपर, अपने अर्थ बल के ऊपर, अपने सगा संबंधियों के ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो करके पूर्ण रूप से परमात्मा को अगर समर्पण कोई कर सकता है, उसमें सब कुछ हो गया। उस समय परमात्मा का स्वरूप आप बन जाते हो, अपना पना खो दिए। स्वामी जी आप तो अभी कहे थे आत्मविश्वास होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, खुद प्रयास करना, फिर समर्पण कैसा होगा, कैसे समर्पण होगा, क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? अभी तो कहते हैं सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और जो स्वयं स्वयं का जो प्रयास वो जरूरी है, है? पुरुषार्थ जरूरी है। हाँ, जब पुरुषार्थ जरूरी है तो मैं भगवान के ऊपर कैसे विश्वास छोड़ दूंगा, भगवान करेगा करके, इसमें क्या रहस्य है? क्यों नहीं पूछते कि भगवान के ऊपर सरेंडर करना मतलब अपने मन से काम नहीं करना, अपना अहंकार नहीं, हाँ अपना काम करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना मतलब क्या हो, मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं, जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। काम मतलब वासना, तुम्हारे अपनापना है, जय मैं हूँ तो भगवान नहीं है। तुम समर्पण करोगे किसको? समर्पण नहीं हो सकता, इसका नाम पुरुषार्थ करके मत मानो। पुरुषार्थ दो किस्म का है, पुरुषार्थ को भी हर चीज में दो प्रकार का है। पुरुषार्थ एक तो अहम के साथ और एक अहम के बिना। हाँ जी, जो अहम के बिना जो पुरुषार्थ हुआ
शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा स्वभाव से प्रकृति करवा रही है, तुम वहां पर नहीं हो। कर्ता के रूप में अहंकार तुम्हारा नहीं है, वो पुरुषार्थ जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। वो जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, और उसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। तुम मतलब तुम्हारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, ये तो चेष्टाशील है, हमेशा चेष्टा करते रहते हैं। वो चेष्टा को प्रकृति करवाती है और करती। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा। जो कर्म किया जा रहा है वो प्रकृति ही करती है। और इंद्रिया अगर करते हैं करके बोलते हो, इंद्रिया अपने इंद्रियों के दूसरे इंद्रियों का आपसी समझौता से एक दूसरे के लिए क्रिया करते हैं, उसमें मैं कहीं नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। क्या ये हाथ मैं हूं? अगर मैं हाथ हूं, जो एक हाथ वाला आदमी है, इधर एक लड़का है, उसका एक हाथ कट गया है, बिजली में चिपक गया और हाथ पूरा खत्म हो गया, उसको एक हाथ उसका काट दिया। एक हाथ वाला आदमी है तो मर गया क्या? तो मैं कैसा हाथ हो गया? ऐसा एक पैर वाला भी है, दो पैर वाला ने दो पैर के बिना भी आदमी है, तो मैं तो हूं, हाथ पैर के बिना भी मैं रहता हूं। अहंकार इससे नष्ट नहीं होता है, तो अहंकार इससे अलग है। वो अहंकार को अलग करते 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 वो अहंकार आखिर ऐसा हो जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा, अकेला पड़ जाएगा। तो अकेला पड़ जाएगा तो ज्यादा देर टिक नहीं सकता है और नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे आसमान से ओला गिरते हैं, ओला पर का बोलते हैं, ओला बर्फ का झोली, हेलस्टोन, वो उपद्रव तो बहुत मचाता है पर आखिर खत्म हो जाता है, पिघल जाता है, कभी नहीं रह सकता, ज्यादा देर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये अहम अकेला पड़ जाएगा तो नहीं रहेगा, उसी ओला को ला करके फ्रिज में रख दो तो रह जाएगा। तो वो अपने आप में नहीं रह सकता है, अपने आप में नष्ट हो जाता है। वो अहंकार नष्ट होने के बाद परमात्मा का अहंग में वो बदल जाता है, बदल जाता है। आकाशाद पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। आकाश से जल का बूंद तो गिरता है, वो आखिर जाता कहां? आखिर जाएगा समुद्र में, मिलीन हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हमारे व्यक्ति अहम है, या आखिर जहां से निकला था वहीं विलीन हो जाता है। इस रूप से अपना प्रयास जारी रखना, उसमें भी आत्मसमर्पण का संभावना है, समर्पण हो सकता है। अहम नहीं है, ना हम करता हरि करता, तत्पूजा कर्म चाखिलम, जद जद करोमि तत् तद अखिलम संभो तव आराधनम। मैं अगर नहीं हूं, जो कुछ कार्य मेरे शरीर से होता है वह परमात्मा का पूजा है, अपने आप पूजा बन जाता है। इस ढंग से स्वयं का विश्वास रखना, स्वयं का विश्वास अहंकार के बिना, प्रयास में विश्वास रखना और आत्मसमर्पण चाहिए, उसी का नाम त्याग भी है, पूर्ण त्याग, महात्याग, महात्याग कहते हैं, पूर्ण त्याग कहते हैं।
उसी का नाम संन्यास योग है। गीता में इसके ऊपर भगवान अर्जुन ने पूछा, भगवान आप तो कर्म योग के बारे में कहे और ज्ञान योग के बारे में भी बोले, ये दोनों में से कौन उत्तम है? है कर्म से, कर्म को जो त्याग दिया वो उत्तम है, या जो कर्म कर रहा है वो उत्तम है? भगवान साफ साफ बता दिए, अहंकार के बिना जो कर्म करता हुआ कुछ करता है, कर्म करता है, उसका कर्म कर्म में नहीं माना जाता है, उसको कर्म संन्यास कर रहे हैं। कर्म संन्यासी ही सच्चा संन्यासी है। मन में अकर्ता, हाथ पैर करता, हाथ पैर करता, ना हम करता हरि करता, इस ढंग से हरि मतलब हरि की इच्छा से प्रकृति। तो इस ढंग से अगर कोई प्रयास करे, वो समर्पण योग भी है और वो समर्पण आज्ञाकारिता भी है और उसमें अपना कृपा भी है और शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा, सबकी कृपा उसके अंदर छिपा हुआ है। सफलता आना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सक्सेस इज बाउंड टू कम, कहीं नहीं रह सकता, सफलता तुम्हारे बर्थ राइट है, इसी को कहते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन के पास ये है, क्योंकि विवेक है ह्यूमन के पास। और मैं तुमको गोली से भून दिया और मेरे को जब फांसी लगा, मैं कहूंगा मेरा ह्यूमन राइट जिंदा रहने का, वह ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन राइट को जो ह्यूमन राइट कहने वाले समझे नहीं। ह्यूमन राइट मतलब तुम्हारे पास विवेक है, विवेक को यूज करना तुम्हारा राइट है। विवेक क्या है? विवेक किसको कहते हैं? मनुष्य के पास सिर्फ ह्यूमन के पास ये राइट है, दूसरों के पास नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये विवेक को अगर तुम इस्तेमाल नहीं किया, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम पशु हो, तुम्हारा ह्यूमन राइट आएगा कहां से? ह्यूमन राइट ये है, ये है ह्यूमन राइट। अगर तुम्हारे ये विवेक को इस्तेमाल नहीं किया तो तुम जानवर हो, यू आर नॉट एट ऑल ए ह्यूमन, वेयर फ्रॉम यू विल गेट योर राइट। इसको समझते नहीं और ह्यूमन राइट हल्ला करते हैं। हाँ जी, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का नहीं पता। हाँ जी, ह्यूमन राइट क्या है उसको जानते हो क्या? पहले ह्यूमन तो बोलो, ह्यूमन का डेफिनेशन बोलो, तब तुम्हारे राइट आएगा। ह्यूमन होगा तो राइट अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे हक कोई नहीं छीन सकता है। तुम तो इंसान नहीं हो पहले, तुम पशु के बराबर हो और कहते हो हमारा ह्यूमन राइट। ह्यूमन कैसे? चार चीजें सबके पास है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन मतलब वंश बढ़ाना, वंश का बढ़ाना। ये तो पेड़ लता भी कर लेते हैं, अपने वंश बढ़ाते हैं, और जानवर भी करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं, पशु पक्षी सब करते हैं, मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य का बड़ापना कहां से आया?
पशु के बराबर है। मैथुन, मिथुन मतलब दो, दो से जो तीसरा निकलता है उसका मैथुन बोलते हैं। हमारे राशि है ना मिथुन राशि, बारह राशि के अंदर एक मिथुन राशि है, हाँ मतलब जोड़ी, स्त्री पुरुष का जोड़ी। स्त्री पुरुष का जोड़ी, स्त्री पुरुष का संयोग से सृष्टि बढ़ती है, ये सबके पास है। सृष्टि में जो कोई है उसका बढ़ोतरी जरूरी है और होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये मनुष्य के पास भी है, पशुओं के पास भी है। तुम मनुष्य किस कारण से बड़े हो? बड़े आहार भी सब करते हैं, आहार मतलब ऊर्जा का स्रोत कुछ बना दिए, और मनुष्य में भी है, पशु पक्षी पेड़ लता ये सब के पास है, आहार सब करेंगे। आहार को छांटने में भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं सब, आहार को ग्रहण करने में जो बुद्धि का, मन का, बुद्धि का जो प्रयोग होगा वो सबके पास है। तितली जा करके कभी टट्टी के ऊपर नहीं बैठेगा, मक्खी जा करके टट्टी के ऊपर बैठेगा। मधुमक्खी फूलों से मधु इकट्ठा करता है, मधुमक्खी कभी जा करके लकड़ी के ऊपर बैठ, पत्थर के से शहद नहीं निकालता है, पत्थर के ऊपर नहीं बैठता है। तो ये सारे जो बुद्धि, भोजन ग्रहण करने का बुद्धि, अपना आत्मरक्षा का बुद्धि, ये सबके पास है। आहार, निद्रा, आराम करना, कर्म करते, कर्म तो सब करते हैं, और कर्म करते करते थक जाते हैं, जब आराम करना उसको निद्रा कहते हैं। ये सबके पास है, निद्रा सब करते हैं। आप कहोगे जंगली जानवर तो रात को नहीं चलते, निशाचर तभी तो बोलते हैं, दिन में सोते हैं, आराम करते हैं, निद्रा है, निद्रा सबके लिए है। आहार, निद्रा और भय, भय ऐसा तो दो देता भयम भवती, दो से भय होता है, इसीलिए ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको भय नहीं होता है। आप कहेंगे पेड़ को भय नहीं होता है, बगल में आग जल रहा है पेड़ भाग करके कहीं नहीं जाता है, और बाघ आ गया पेड़ को भय नहीं होता है, सब कुछ होता है, होता है। पेड़ का संवेदनशीलता है, उसको वैज्ञानिक लोग प्रूफ करके दिखाए, पेड़ आपस में, पेड़ लता जो हम कहते हैं निर्जीव, थोड़ा देर के लिए कहते हैं निर्जीव है करके, तो उसमें भी जान है, प्राण है, प्राण है, प्राण होने से भय है, भय अग्नि से भय करता है, और कोई उसको काटने के लिए आता है पेड़ को, उसको भय लगता है, वो समझ जाता है, उसमें कंपन पैदा होता है, भय लगता है। समझे, चीन में कोई पेड़ को से लकड़ी काटके उसको अगर उसको मारना है तो वहां के गांव वाले खड़े के पेड़ को गाली देते हैं तो पेड़ अपने आप सूख जाता है एक मिनट, ये वहां की परंपरा है, उस पे प्राण होते हैं वो सूख जाते हैं। आप नहीं देखो हमारे टच मी नॉट, एक छुई मुई, उसमें संवेदनशीलता तो देखे तो है ना, तो फिर कैसे कहेंगे उसमें नहीं है जान नहीं है और उसमें संवेदना नहीं है? संवेदना जहाँ है प्यार और भय दोनों होगा, राग द्वेष होगा, जहाँ संवेदना है वहाँ राग होगा द्वेष होगा, प्यार होगा और
द्वेष भी होगा, और द्वेष का क्यों होता है, वैसे होता है मेरा अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए तो त्यागते हैं, छोड़ते हैं। तो ये इसी ढंग से आहार निद्रा भय हो गया, मैथुन वंश वृद्धि करना, ये समय है। मनुष्य के पास एक ही चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, वो है विवेक, नित्यानित्य विवेक। ये नश्वर है, विचार करके वो निश्चित कर सकता है मनुष्य, लेकिन और कोई मनुष्यतर प्राणी मनुष्य से अलग दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता। देवता लोग भी जानते हुए नहीं करते, वो भोगी भोग जो नहीं है। देवता लोगों के पास बुद्धि का सूक्ष्मता होता हुआ भी वो विवेकशील नहीं होता है, विवेकशील नहीं होता है, यथार्थ में विवेक को इस्तेमाल नहीं करते है। मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के पास विवेक होता है, इसीलिए मनुष्य मनुष्य कहलाने के लिए हकदार है, और उसका हक तभी बनेगा जब मनुष्य होगा। धर्म को विवेक से कैसे जोड़ेंगे, धर्म को विवेक से कैसे जोड़ेंगे? अच्छा, धर्म को विवेक से जोड़ेंगे, जब विवेक काम कर गया वही धर्म हुआ। कैसे? नित्य जो है उसको स्वीकार करना और अनित्य को त्याग देना, ये धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है मई मयैव मन आध्यस्व मयि बुद्धि निवेशय, और निवसिष्यसि मयि एव अथ उद्धम न संशय। ये विवेक से ये पता चलता है, मेरे में मन को लगाओ, नित्य में, मेरे में मतलब नित्य में, मेरे में मन को लगाओ, यही धर्म है। मैं मन अध्यस्व, मन को मेरे में लगाओ, मेरे में लग गया तो विवेक इसी को कहते हैं। जो अनित्य है, संसार की वस्तु है, विषय वस्तु है, उसमें मन को मत लगाओ, मेरे में मन को लगाओ, मेरे में बुद्धि को लगाओ, और आखिर मेरे पास तुम आ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, यही धर्म है। इस ढंग से चित्त विश्रांति संभव है। ये समर्पण योग बहुत बड़ा चीज है। समर्पण योग के बारे में अगर बात आ पड़ा तो इसको भी अच्छी तरह समझो। ये समर्पण योग सारे रास्ता में जितने योग मार्ग हैं, राजयोग, भक्ति योग, और ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, जहां तुम जिसको योग के नाम से लोगे वहां समर्पण योग अवश्य मिलेगा, छिपा हुआ है। समर्पण के योग के बिना कोई योग संभावना है ही नहीं, योग में सफलता संभावना नहीं है। इसीलिए पतंजलि जी महाराज आखिर बताते हैं, क्या बताए, समर्पण दबा आत्मसमर्पण अथवा अगर तुम ये सब नहीं कर पाते हो, विकल्प दिया गया आत्मसमर्पण कर देना, ईश्वर प्रणिधान दबा, ईश्वर प्रणिधान योग सूत्र कर पाए, अथवा
अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, जो चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर पाते हो, ये प्रयास तुमसे संभव नहीं होता है, समर्पण कर दो। असमर्थ मान लो अपने को, द्रौपदी जैसे आखिर मानी, उदाहरण तुम्हारे पास सामने। हाँ जी, मान लो असमर्थ बेवकूफ हो तो ज्ञान आएगा। जब तक तुम जानकार बनते हो तब तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी, जब समझना छोड़ दोगे तब समझ आएगी। समझने के लिए प्रयास छोड़ दोगे तब समझ पाओगे कि समझने के लिए कुछ आएगी। समझ तब आएगी कि समझने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ करते जाए से इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, हाँ जी। फ्री फ्लो। जो द्रौपदी का तो एग्जांपल है, निकालो उसको यार। हाँ जी, द्रौपदी का जो एग्जांपल है वहाँ पे थोड़ा सा समझिए। लाइक द्रौपदी ने अपना पुरुषार्थ करी, पहले पहले बचाने की कोशिश करी, फिर लास्ट में सरेंडर करी। ओके, तो भगवान ये भी तो देखिए, शुरुआत से अगर हाथ उठा दे तो भाई दूसरे खुद खुद नहीं किया कुछ तो मैं क्यों करूँ। तो मैं मेरा मतलब समझ रहे हैं, समझिए मतलब शुरुआत ही हम लोग बच जाएंगे, भगवान तू ही बचा ले। तो ये होगा क्या, ऐसे में होता है क्या? देखो, ये सारे जितनी जो कुछ किया गया है, कहा गया, इसका एक सार है, जिसका कोई नहीं उस इस जग में उसका आनंद करने आता, कोई नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ भी तुम्हारा दो किस्म का भी बताया था ना, दो किस्म का पुरुषार्थ, एक अहम के साथ एक अहम के बिना। इसको क्यों नहीं याद कर रहा हूं? पुरुषार्थ करना तो अवश्य पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होगा। और पुरुषार्थ दो किस्म का बताया था, दुनिया दो से बना, इसको भूलो मत। जहां कुछ भी कहोगे वहां दो किस्म हो जाएगा, कहीं भी जाओ दो है। मैं कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ दो किस्म का हो क्यों भूल गए? अखाड़ा कहां पर हो? पुरुषार्थ दो किस्म का, पुरुषार्थ अवश्य चाहिए, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होगा। और वो पुरुषार्थ दो किस्म का, एक अहंकार के साथ एक अहंकार के बिना। और अहंकार को भी दो किस्म कह लेंगे, कैसे? एक शरीरगत अहंकार, शरीर मतलब ये जो समूह है, क्षेत्र का जो एक समूह हो गया, इंद्रिय ग्राम हुआ अथवा भूत ग्राम हुआ, इसका एक समष्टि, इसका जो समष्टि मतलब जिसको हम व्यष्टि कहते हैं, ये व्यष्टि के ऊपर एक अहंकार है, और वो अहंकार एक समष्टि के साथ भी है। तो अहंकार भी दो किस्म का, हर चीज दो किस्म का। उसको जो समझ गया उसके लिए कोई सवाल कठिन नहीं है। सुमित जी, आखिरी वाला जरा समझाइए, अहंकार समष्टि और शरीर वाला एग्जांपल देखिए। मैं शरीर करके मान रखे ना हम, यही तो व्यष्टि अहंकार है। वो और गांठ पड़ा है, वो जब अलग हो जाएगा यहाँ से, वो भी तो एक अहंकार मैं हूँ। वो अहंकार ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये अहंकार भी ज्यादा देर नहीं रहता है, ये अहंकार हर पल में बदलता रहता है। मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं आंख हूँ, मैं कान हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं और मेरा के बीच में घूमता रहता है। हाँ, मैं और मैं कहा ना, पेंडुलम ये झूला खेलता रहता है, अहंकार स्थिर नहीं रहता है। और वो जो मैं है वो स्थिर हो जाने से खत्म हो जाता है। यही तो प्रयास है, और इसी का नाम साधना है।
इसको समझ करके तुम कुछ भी करते हो तो सब साधना बन जाता है। समझ करके, इसको लक्ष्य रख करके जो कुछ भी किया जाता है, नीति नियम, हमारा शिष्टाचार, हमारा परंपराएं, हमारे संस्कृति, हमारे सब कुछ, जो कुछ भी धर्म अधर्म, जो कुछ भी हम करते हैं, कर्तव्य निष्ठा, कुछ भी करते हैं, ये अगर बेस में है समझ के साथ, तो जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारे सफलता में सहायक बनेगा। और सिद्धि मतलब परमात्मा प्राप्ति, सफलता मिलती है इसमें। सफलता मतलब यही है, अहंकार खत्म हो जाना, मैं नहीं हूं, जो है सो है, उसी का नाम तो हम कहते हैं अवशेष को परमात्मा मानते हैं। दोनों मैं खत्म हो गया, एक तो व्यक्ति मैं था, फिर वो बदल के समष्टि मैं बन गया था, वसुधैव कुटुंबकम् अयम् निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम्। वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधा, सारा संसार मेरा परिवार। अयम् निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम् उदार चरितानाम तु वसुधैव। बताओ सारा दुनिया वसुधा, वसुधा धरती, ये सृष्टि सारा मेरा है, ये कोई बिरला कह सकता है? बिरला कह सकता है? मैं जब समझा नहीं था, कंगाल था, मांग रहा था, मांगेगा कौन? जिसके पास नहीं है वही तो मांगेगा, इसके पास है बताओ? मांगता तो सारा दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता ये कौन मांगता नहीं, और कौन मांगता है जो समझा नहीं। मैं जब समझा नहीं था, कंगाल था, मांग रहा था, मिला नहीं, अब समझ गया कुछ नहीं चाहिए, भर गया घर, मांगा नहीं, भर गया घर, मांगा नहीं। जो वसुधैव कुटुंबकम हुआ, जो सबको अपना मान लिया, उसको क्या चाहिए? वो कैसे मांगेगा, क्या मांगेगा, किससे मांगेगा? सबका मालिक वो बन गया, सब कुछ मेरा है, मांगेगा क्या? ये पूर्णता का संतुष्टि, संतोष अमृत चित्ता नाम जब सुखम शांत जेसम अभी तो ब्रह्म निर्वाण समम समधि गच्छति। जिसको संतुष्टि आई, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो समझ गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो समझता मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। इसको दूसरे भाषा में भक्त शिरोमणि सूरदास जी कैसे बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो मैं कौन हूं, वो शरीरगत मैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहि तन दियो, मुझे एक शरीर मिलाना, शरीर में सब कुछ है, जाहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कौन नमक हराम नहीं है बताओ? जो भगवान का भूला, भगवान को भूल गया, वह नमक हराम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुमको गाली नहीं दे रहा हूं, गाली देने वाला अंधा वही बैठा था जिसके हाथ में भगवान नाचते थे। सूरदास, हाँ जी सो जी, ये जैसे पार्थिव जो सवाल किया उसमें थोड़ा सा और एक सोच आई मेरी कि पूरे महाभारत में दो ही ऐसे इवेंट हुए जहाँ पे कंप्लीट सरेंडर हुआ, एक अर्जुन का और एक द्रौपदी का, बाकी पूरे महाभारत में सबका अहंकार ही लड़ रहा था।
या उसके ये कहना उचित होगा स्वामी जी? जैसे जो देखता है, मैं कैसे कहूँ? अर्जुन ने सरेंडर करके अर्जुन सरेंडर किया तभी स्वर्ग दर्शन हुआ, तभी हाँ जी। और द्रौपदी सरेंडर किया तो भगवान आए, बहुत जगह पर हुआ है ऐसा। मैं वो रिकलेक्ट कर रहा था कि सरेंडर वाली स्टोरी पर हुआ, इसका क्या हुआ? तो भगवान को सरेंडर भी आदमी लास्ट में करता है, पहले तो सारे एफर्ट्स खुद ही करता है। वो वही सवाल पूछ रहा है, पहले एफर्ट्स मैं करती अपना है। मैं करता है या मैं बदलना चाहिए? बड़ा मैं में बदल जाना चाहिए, वो बड़ा मैं ज्यादा देर तक सामने एग्जांपल आपके तो मैं बोल के वो बोलते तो ज्यादा अच्छा। वो मैं कह जाएगा पर वो बोलो तो, इसीलिए तो महात्मा में एक कहावत है, मैं नहीं बोलते है ये शरीर ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कहेंगे जी, मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे। नहीं तो बहुवचन में, नहीं तो हम मतलब शरीर सारा मिल करके हम बोलेंगे बहुवचन में, ये भाषा प्रयोग करते हैं महात्मा लोग। मैं कभी नहीं बोलते हैं, हम महात्मा नहीं इसलिए मैं बोल देते हैं महात्मा का भाषा मैं नहीं होता है, हम होता है अथवा शरीर होता है। ये शरीर ऐसा नहीं करता, भूख लग गया है, ये शरीर वहां गंगोत्री जाना चाहता है, ऐसा बोलते हैं। और ओडिशा में एक दूसरा प्रथा है, अपने को एक तुच्छ नाम देते हैं, पागल या मूर्ख। ये मूर्ख को भूख लग रहा है, ये मूर्ख। अपने को जो नाम पहले था प्रेमानंद नाम दिया या और कुछ, प्रेमानंद मतलब शरीर नहीं है ये समझना चाहिए। हाँ जी हाँ हाँ। अरे हम गुरु जी को शिवानंद बोल के शरीर मान रखे हैं, अरे शिव जी का आनंद है, शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तभी तो शिवानंद नाम बोलते हो और शरीर मान बैठे हो, कैसे बोलते हो? मूर्ख नहीं है तो क्या है? तो इस ढंग से समझ के साथ जो मैं को निकाल देता है वो पुरुषार्थ करता हुआ वो पुरुषार्थ सफल बनता है। तो हमें स्वामी जी पढ़ना चाहिए कि हमको मैं को छोड़ के ही सब काम करें। हाँ मैं को छोड़ कर के करना। स्वामी जी यहाँ पे जो महाभारत का बात आ रहा है तो एक चीज है, लाइक आप हमेशा कहते हैं बहु ना कर्मणा गति, तो उसी साथ अगर हम लोग देखे कर्म को देखें तो वो तो अपना शरीर का धर्म माना था, अभी जब बोले जैसे भीष्म वगैरह वो शरीर का धर्म को मान के ये धर्म को कि अपना शरीर का नहीं, नहीं, धर्म नहीं, 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 आप समझे नहीं। हर एक चीज को विचार करने से जैसे आप समझ रहे हो ऐसा नहीं है। शरीर मान करके कभी भीष्म अपने प्रतिज्ञा नहीं किया था, परिस्थिति समय देश काल परिस्थिति के अनुसार जो प्रतिज्ञा किया था, जो प्रण किया था उसको रक्षा करना धर्म माना, वचन का प्रतिपालन करना धर्म माना, धर्म रक्षा के लिए वो सिंहासन के प्रति अपना आस्था को मान करके, राजा अगर चुप है मैं नहीं कर सकता, राजा का आज्ञा पालन करना। इस ढंग से द्रौपदी का विरोध नहीं किया, अथवा बीच में जहां जरूरत पड़ा कुछ बोला लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। क्यों? उसका धर्म और कुछ था, द्रोणाचार्य का धर्म और कुछ था, शरीर के ऊपर वो अपना निष्पत्ति नहीं किए, अपना धर्म धर्म का गति कोई नहीं समझता है। धर्म तम निहितम गुहायाम, जो एकाग्र चित्त हो सकता है, जो पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में जो रह सकता है वो धर्म को समझ सकता है।
इसीलिए कहा धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, गुहा मतलब हृदय के जो कंदरा जो स्थिरता है, उस स्थिरता में धर्म का असली तत्व है। मन में आओगे, मन तो विचलित है, मन कैसा धर्म को समझेगा, बुद्धि थोड़ा बहुत समझेगा, विवेक उससे ज्यादा समझेगा, लेकिन हाँ इसके परे है धर्म। धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, और जो देश काल परिस्थिति से ऊपर है वो धर्म को समझेगा, नहीं तो धर्म बदल जाता है। धर्म का स्वरूप क्या है, और धर्म धर्म का रक्षा करने के लिए वो सब कसम खा रखे थे, इसीलिए वे लोग शरीर दृष्टि से नहीं किए ना। अरे जिसके सामने कृष्णा खड़ा है और सरसज्जा में जो पढ़ करके उसको कोई दर्द नहीं दुख नहीं, इच्छा मृत्यु उसके हाथ मुट्ठी में, वो शरीर को देखता है, है? तुमको एक कांटा चुभ गया तो चिल्लाते हो, और भीष्म जो शरीर के ऊपर सजा तीरों का सजा में सो रखा है इतना दिन, ना दर्द ना कुछ, उसका शरीर का बोध है या शरीर करके उसको मान सकते हैं हम, बता दो तो शरीर में सो करके तीर के ऊपर, अरे कांटे चुभा पर ठोकर लग गया एक कंकर में, चिल्लाते हो हैं? और वो सैया पे जाके बातचीत भी करते हैं, और शांति पर्व तो वहीं पर हुआ। इतना उपदेश, राजनीति धर्म नीति सब कुछ उनका मन शरीर में, कैसे बोलेंगे? आज इतना में रखेंगे, आज क्या क्या विचार किए हम, निष्कलंकता क्या है, वो प्राणायाम का आधारभूत जो परमात्मा है सबका आधार, उसमें निश्चल स्थिति कैसा हुआ, निर्मल स्थिति, अचानक नहीं अपने स्वयं पुरुषार्थ से धीरे से प्राप्त किया गया, ये सारे हम अच्छी तरह समझे। इसके बाद दूसरे मेरे लिए कुछ कर लेगा करके कभी नहीं सोचना, ऐसा अगर सोचते हो तुम्हारे लिए मैं खाना खा लूंगा तुम मत खाओ, इतना परिश्रम क्यों करोगे, तुम्हारे लिए मैं सो लूंगा तुम मत सो लूंगा, है? जब दूसरे कर लेगा, खाते वक्त तो मैं, सोते वक्त तो मैं, डरते वक्त तो मैं, डर मेरे को डर लग रहा है, है? फल पाओगे तो मैं, और गुरु जी मेरे लिए शक्ति पाठ कर देंगे, बाबा बड़ा शिष्य निकल गए, और सब कुछ तुम करोगे, और गुरु जी मेरे लिए शक्ति पाठ करके मेरा काम कर लेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलते रहूंगा, मैं दूसरों को परेशान करते रहूंगा, अरे गुरु जी शक्ति पाठ करके समाधि में बैठा देंगे मेरे को, आहा क्या शिष्यत्व, ऐसा कभी कोई भूल करके सोचा मेरे लिए कोई दूसरा कर लेगा, ये गलत बात है। बच्चे आते हैं इधर, अब देखते होंगे तो बच्चे आएंगे, एक दूसरे के लिए बोलता है, खुद तो बोल नहीं सकता है, शर्म लगता है बोलने के लिए, हाँ स्वामी जी वो सुबह तो बोल रहा है, उसको भूख लग रहा है, उसको थोड़ा
वो बिस्किट दे दो। मैं क्या करता हूँ, जवाब देता हूँ मालूम, आदत बनाने के लिए सुबह तो बोलता ना उसको भूख लगता है, तेरे को भूख नहीं लगता ना, चुप चुप रहो, चुप चुप बैठे, सुबह तो बोल देगा जब मैं दूंगा। ये मतलब दूसरे के ऊपर आधारित नहीं रहना, परतंत्रता यहीं से बचपन से शुरू हो जाता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए दूसरा करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। स्वयं को प्रूफ करना चाहिए मैं समर्थ हूं, मेरे लिए कोई सिफारिश करेगा, ये भावना गलत है। सिफारिश कभी नहीं करना, और ये भावना मेरे अंदर से जड़ से निकल गया है। एक छोटी सी कहानी कर करके आज पूरा करेंगे। सिक्स्थ में था, सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रहा था, मेरा गणित का कुशलता इतना था कि गुरुजी के मुंह से प्रश्न खत्म नहीं होते ही मैं उत्तर दे देता था। ये मेरा बड़ापना नहीं, किसी का भी ये बड़ापना नहीं होता है, ये मन का एकाग्रता की बात है। मन का एकाग्रता होगा ये अति संभव है। तो क्या कर किए, एक दिन क्या हुआ, गुरुजी गणित के गुरुजी आए और एक एक सवाल को समझाए ब्लैक बोर्ड में खड़ा हो करके, और सबको पूछे बच्चों समझ गए, सब कहे हाँ गुरु जी समझ गए। मैं फ्रंट बेंच में बैठा हूं तो गुरु जी कहे अच्छा ठीक है, उसको डस्टर में मिटा दिए जो समझाए थे, और पांच सवाल उसी तरीके से पांच सवाल लिखे अपने मन से, पांच सवाल ब्लैक बोर्ड में लिख दिए। वो जब एक सवाल करते हैं ना, उसका उत्तर मेरा नोटबुक में हो चुका है, और दूसरे सवाल जब करते हैं, दूसरे सवाल को जाते हैं, मेरा पहला का उत्तर दे दिया, दूसरे सवाल, तीसरा सवाल, पांचवा सवाल लिखते वक्त चार सवाल का जवाब तो मेरा हो चुका है, और पांचवा सवाल लिख करके जब वो कहे बच्चों ये पांच सवाल का जवाब अपने नोटबुक में लिखो, करो इसको हल करो, और उसको अपने डेस्क के ऊपर पलटा करके रख दो और मैं आता हूँ। तो सवाल देने के बाद लगभग 15-20 मिनट तक लगेगा ही पांच सवाल के लिए, पांच सवाल में लगभग 20-25 मिनट तो लग ही जाएगा। इसलिए गुरु जी क्या किए, बाहर निकल गए बरना में, और सब देखते हैं गुरु जी चले गए, और गुरु जी क्या करते हैं, वो छिप करके आकर के बिल्कुल सबसे पीछे चुपचाप खड़े हैं। बच्चे सब वो अपने अपने करते हैं, सवाल हल कर रहे हैं। अब मेरे पास जो दाहिना में जो बच्चा बैठा था, बड़ा नटखटी है, बड़ा चालू, बड़ा नटखटी था, वो कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो मैं चुपके से देख रहा हूं, तो सामने बहुत धीरे धीरे फुसफुसा करके उसको बता रहा हूं ऐसा कर, उसको उसके साथ गुना कर, अरे कितना आ जाएगा, वो उत्तर होगा, उससे उसको जोड़, और उसको उसके साथ उड़ा कर वो है ऊपर। मैं उसको धीरे से सिर नहीं मोड़ता हूँ, सिर्फ नजर मोड़ करके उसको धीरे से बता रहा हूँ। पता नहीं चलेगा दूसरों को कि मैं उसको बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है बता रहा हूँ।
अब तब तक गुरु जी धीरे धीरे जो क्लास होता है दो तरफ बैठते हैं, बीच में एक रास्ता होता है, डेस्क पे बैठे हैं सब। अच्छा गुरु जी पीछे से धीरे धीरे, मक्खी का आवाज भी नहीं होगा, इतनी धीरे धीरे आकर के दोनों तरफ बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं, टाइम लग रहा लगे हुए हैं। तब तक गुरु जी आ करके मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं, गुरु जी देख रहे हैं। अरे यार वो दिन को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं। आए सामने, मैं फ्रंट बेंच पे था, इसीलिए आ गए सामने, आ करके मेरे सामने खड़े हो करके पकड़े कान, अरे मारे एक थप्पड़, मेरा सिर ऐसा मुड़ गया, 5 मिनट तक मैं सीधा नहीं कर पाया, 5 मिनट तक रो नहीं पाया और सिर को सीधा नहीं कर पाया। रो भी नहीं पा रहा हूं, इतना जोर से मारे एक था। उसी दिन से मेरा दिन बदल गया, किसी को ना मदद करना, ऐसा मदद तो करना है लेकिन इस ढंग से, और किसी का सुपारिश नहीं करना, ना सुपारिश करना ना सुपारिश लेना, दूसरे का सुपारिश नहीं लेना ना दूसरे को सुपारिश करना। क्यों? बाद में जब हो गया सारा, सारे क्लास के सब नोटबुक गुरु जी देखे लिए, उसके बाद समझाए क्यों मारे करके, अगर तू उसको सिखाएगा ये समझाए, मैं समझा बात को समझा क्यों मारे गुरु जी, वो बताए तू अगर गुरु बनेगा उसका तो उसकी बुद्धि का एक्सरसाइज कैसे होगा, वो अपने बुद्धि को नहीं लगा रहा, मैं तो तुमको समझाने के बाद तुम अपने बुद्धि को प्रयोग करने के लिए ये 5 सवाल दिया था, मैं भी तो समझाया तुमको, तब आपस में तुम अगर एक दूसरे को करवा दोगे ऐसा, तो जिसको तुम समझा रहे हो वो अपना बुद्धि का प्रयोग कहाँ किया, नहीं करेगा तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकती है, इसीलिए कोई किसी को बताना नहीं, मना है बताना, इसलिए किसी कार्य में भी ये तो शिक्षा हो गया, किसी कार्य में भी इस तरह मत करो, नहीं होगा होना चाहिए, खुद करेगा तो सामर्थ्य हासिल करेगा, वो सफलता हासिल करेगा, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। हाँ जी, कभी दूसरे को इस ढंग का मदद नहीं करना, इस ढंग का मदद करोगे तो वो खुद प्रयास करना छोड़ देगा, दूसरे के ऊपर निर्भरशील होने से उसका विकास रुक जाएगा, बुद्धि की विकास रुक जाएगी, इसीलिए गुरु जी लोग मना करते हैं। अब समझ में आया पुरुषार्थ और कृपा में क्या डिफरेंस, कृपा शक्ति और दूसरे के ऊपर निर्भरशीलता, दूसरे को सुपारिश करना या दूसरे के सुपारिश से अपना काम बनाना, यही तो हुआ, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर देंगे, गुरुजी कृपा कर देंगे, तुम क्या करोगे, हाँ तुम करोगे तब की गुरुजी कृपा करेंगे, हाँ तुम करोगे तब गुरुजी कृपा करेंगे, नहीं तो खाओगे एक चांटा गुरुजी का, मैं जैसे खाया था जिंदगी भर के लिए सुधर गया, एक चांटा में। जय हो, जय गुरुदेव। गुरु की कृपा ऐसा मिलेगी। हरिओम, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय।